टाइटल चूक जा रहा हूँ पूरा। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं टाइटल से दूर रहा, मैं यहाँ आ रहा हूँ, जीते दो लोग हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा मोहब्बत मिल रही है मुझे, तो मैं हमें पता ही नहीं है इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। हम आपसे एक बार मिले थे, एक बार मॉल गए थे, तो पता भी नहीं था कि कितना एक्साइटमेंट, कितना कुछ रहा है। बट आई रियली थिंक जो जीता है वो बहुत डिजर्विंग भी है, क्योंकि वो जो लास्ट का एक हफ्ते में जो चार लोग रह जाते हैं तो वोट डिसाइड करते हैं, तो एक्चुअली जीत हमारी नहीं, जीत हमारे फैंस की, जिसके फैंस ने ज्यादा वोट करते हैं वो लोग जीत गए। सो आई थिंक रियली हैट्स ऑफ टू ऑल फोर, दे डन अ वेरी वेरी सुपर्ब जॉब। ओके पुनीश, बीइंग इन कॉमेंडर आप यहाँ तक आ गए, यू नो सच बताइए, उम्मीद की थी कि टॉप फोर में होंगे? नहीं, मैंने उम्मीद नहीं करी थी, पर जज्बा तो था आने का टॉप फोर में। आ गया, बड़ी बात है, एक महीने का टारगेट लेके आया था, देखो कहाँ खड़ा हूँ। और अफसोस है कि कॉमनर, यू नो लास्ट ईयर एक कॉमनर विनर बना था, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉप फोर पहुंच गया था तो शायद टाइटल भी जीत जाता तो ज्यादा बेहतर होता। मे बी नेक्स्ट टाइम कोई शो करूंगा तो शायद टाइटल भी जीत पाऊँ, सेलिब्रिटी बन गया हूँ, फॉलोइंग भी थोड़ी बढ़ गई है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम।